आई एम बैक। देन स्टार्ट करते हैं गाइस अपना दोबारा, ठीक है गाइस। क्या स्टार्ट करते हैं हैंड का अपना। तो हैंड के लिए गाइस क्या करना पड़ता है, मैं आप लोगों को हैंड के भी कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ। हैंड के लिए गाइस मेरे लिए बनाना पड़ेगा, मेरा फर्स्ट जॉइंट यहाँ होगा, ठीक है। सेकेंड जॉइंट मेरा यहाँ होगा, ठीक है। थर्ड जॉइंट मेरा यहाँ होगा, ठीक है। फोर्थ जॉइंट मेरा यहाँ होगा, ठीक है। बाकी जो फिंगर्स हैं, फिंगर्स में एक यहाँ होगा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ और चौथा यहाँ, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं अपना फिंगर का, किस तरीके से हम फिंगर बनाते हैं, ठीक है। ओके चलते हैं अपने रिगिंग पार्ट के अंदर। रिगिंग पार्ट में आया गाइस, सेलेक्ट किया मैंने और फर्स्ट मैंने यहाँ लिया, फर्स्ट यहाँ, सेकंड यहाँ, देन थर्ड यहाँ, फोर्थ यहाँ, ठीक है। एंटर मारा और फिर उसके बाद मैंने फिंगर ली, क्लिक किया। जूम कर लेते हैं थोड़ा सा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ओके। एक्चुअली यहाँ मेन प्रॉब्लम यह है मेरे लिए, सेलेक्ट करते हैं यहाँ डी और इसको मूव कर लेते हैं, ओके। अब गाइस फिर आए अपने उसके अंदर, सेलेक्ट करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, एंटर। सेलेक्ट करो फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, ओके। फिर सेलेक्ट करो फर्स्ट सेकेंड, सॉरी फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ठीक है। उसके बाद गाइस आए अपने थंब की तरफ, फर्स्ट सेकेंड देन थर्ड, ओके। सेलेक्ट करो सारे के सारे जॉइंट्स, ओके, और इसको सेलेक्ट करो, पेरेंट कर लो, ठीक है। ये पेरेंट हो गया मेरा और मैं अब आता हूँ अपने फ्रंट व्यू में। फ्रंट व्यू में आया तो गाइस मेरा ये है रिंग और यहाँ आए, चेक किया, यहाँ है मेरा ये शोल्डर। इस शोल्डर को मैंने सेलेक्ट किया गाइस और इसको लाया मैं यहाँ, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है। और इसको मैं नीचे ले आता हूँ, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ठीक। अब आए इधर के लिए, ओके गाइस स्टार्ट करते हैं दोबारा अपना ये बार। सो गाइस मेरे ही पास में ये हो गया। अब गाइस क्या करना है, अगर मैं सीधा यहाँ से, ये तो हो गया, ओके। अब मैं यहाँ से चलता हूँ अपना आई के इस प्लान की तरफ, सिंगल चैन सोल्वर है, इसको रिसेट मार लेते हैं एक बार। और गाइस चलते हैं यहाँ, यहाँ सेलेक्ट किया और गाइस यहाँ किया क्लिक, ठीक है, सॉरी यहाँ क्लिक किया। अगर मैं गाइस इस तरीके से करता हूँ तो मेरा ये जॉइंट, ये देखिए ये प्रॉब्लम करेगा। तो गाइस इसके लिए करना पड़ेगा, मैं इसको, ओके गाइस। तो गाइस चलते हैं दोबारा अपने इसी पार्ट के लिए, मैं क्लियर करता हूँ। मैंने क्लिक किया यहाँ, ठीक है। हर चीज़ का एक ट्रिक होता है गाइस, ऐसा नहीं कि हाँ हमारे पास ट्रिक नहीं है, ट्रिक है। क्लिक करो गाइस और यहाँ क्लिक करो, ठीक है। अब आप लोग कहते हो कि यहाँ से यहाँ कैसे मूव होगा, होगा, ठीक है। विंडो के अंदर चलते हैं गाइस, विंडो के अंदर मेरे लिए मिलता है जनरल एडिटर के अंदर मिलता है कनेक्शन एडिटर, ओके। अगर पुराने यूज़र्स होंगे तो उन लोगों को पता भी होगा। तो मैंने क्या किया, सेलेक्ट किया इफेक्ट के लिए, ठीक है, ये मेरा इफेक्टर पॉइंट कहलाता है। मैंने सेलेक्ट किया इफेक्ट के लिए और क्लिक किया यहाँ हैंड पर, ठीक है, डी और वी प्रेस किया, वही अपना एडिट मोड, ओके। और फिर आए आई के हैंडल की तरफ, सेलेक्ट किया और डी और वी प्रेस किया, ओके। मैंने दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप चेक कर देंगे गाइस और क्लिक करते हैं, एकदम परफेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरीके से मैं वर्क करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ गाइस, सेलेक्ट करता हूँ अपना ज्वाइन और यहीं पर मैं मिरर कर लेता हूँ, जिससे मुझे प्रॉब्लम क्रिएट ना हो,
मेरा 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 मेरा, नो प्रॉब्लम। चलते हैं हम स्केलेटन के अंदर और मिरर कर देते हैं गाइस, ठीक है। मिरर किया, ये मिरर हो गया, ठीक है। और चेक किया, आई के तो नहीं है इस पर, आई के है मेरा ये, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और दोबारा चलते हैं हम अपने, आते हैं यहाँ, सॉरी। तो ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसे डिलीट करो गाइस। और यहाँ पर मैं अभी अपने आई को भी डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, बताने के लिए मैंने आप लोगों को किया। उसके बाद मैंने सेलेक्ट किया, मिरर किया स्केलेटन के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम क्यों आ रही है? ओ आई सी, दिस प्रॉब्लम। ओके, सो गए। मैंने अब क्या करते हैं गाइस, अब ये प्रॉब्लम्स आ गई मेरे सामने, सॉल्व करना है मेरे लिए पहले, तो मैं पहले इसको सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट करो, मैं गाइस बाद में कर लूँगा, अभी बाद में आपके ट्यूटोरियल के बाद, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूँ पहले, तो गाइस ये हो गया। मैंने क्या किया गाइस, भाई सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया गाइस, इसको सेलेक्ट किया, ओके सॉरी, सेलेक्ट किया फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, देन फर्स्ट सेकेंड, ओके। अब गाइस आई एम माई फ्रेंड मोड में, सॉरी यहाँ पर, और अपना आई के सेलेक्ट किया। और दोबारा गाइस आए अपने विंडो के अंदर, जनरल एडिटर के अंदर और हाइपर कनेक्शन के अंदर। पहले इफेक्टर पकड़ा, ये इफेक्टर है मेरा, सेलेक्ट किया इफेक्टर के अंदर लिए, और टॉप व्यू में आए सीधा, ठीक है। और डी और बी प्रेस किया, सॉरी फाइव प्रेस हो गया, डी और बी प्रेस किया, डी और बी, ओके। सेलेक्ट किया आई के लिए डी और बी, ठीक है। सेलेक्ट करो गाइस इसके लिए दोबारा, ये है मेरे पास आई के इफेक्टर, सॉरी। दोबारा से फिर ओपन कर लेते हैं, एक्चुअली अपडेट नहीं करवाता, इसलिए किया, हिस्ट्री आ गई, हर की आ गई। सेलेक्ट करो जनरेटर के लिए और आओ हाइपर कनेक्शन के अंदर, और सेलेक्ट करो गए यहाँ आओ, सिट सिट सिट, ओके, क्लिक करो गए, ठीक है। डी और बी प्रेस करो, और फिर आई के सेलेक्ट करो गए, और इफेक्टर सेलेक्ट करो, ओके क्लिक करो। अपनी जो है वी मेल, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ, ये आ गया गाइस, ठीक है। अपनी जो रिग है मैं, सॉरी रिग, ये मेरे पास रिग आ गई गाइस, और ये मेरा बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर अपने लोकेटर लगाऊंगा, जो मेरे कंट्रोलर है, फर्स्ट कंट्रोलर मेरा ये है, ठीक है। क्लिक करो, डी और बी प्रेस करो गाइस, यहाँ लाओ, स्केल कर लो गाइस यहीं पर, ये स्केल हो गया, ठीक है। स्केल करने के बाद गाइस थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेता हूँ इस पार्ट के लिए, थोड़ा सा समथिंग समथिंग, ओके परफेक्ट, ठीक है। डी और बी प्रेस करते हैं गाइस यहाँ, अरे सॉरी, सेलेक्ट करो डी और बी, परफेक्ट। अब गाइस क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं अपना सरफेस, सेलेक्ट करते हैं ये, और बी प्रेस करते हैं और यहाँ ले आते हैं, ठीक है। जेड एक्सिस है, तो मैं जेड एक्सिस में इसको 90 डिग्री बना लेता हूँ, और इसको यहीं पर थोड़ा सा, सॉरी ये है मेरा, इसको मैं कर लेता हूँ 90 डिग्री, ठीक है। क्लिक करो और यहाँ रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, 90 डिग्री समथिंग समथिंग, ओके। स्केल कर लेते हैं थोड़ा सा, परफेक्ट, ठीक है। ये मेरे पास आ गया गैस, ये जो है
ये मेरा मूव करेगा और ये मेरा रोटेट करेगा, तो मैं नाम दे देता हूँ इसको, ये मेरे पास में है ये, तो इसको मैं नाम दे देता हूँ, इसको कहते हैं एल हैंड, ठीक है, एल हैंड, ठीक है, सेलेक्ट करो, और ये है मेरे पास कंट्रोलर, इस कंट्रोलर को नाम दे देता हूँ मैं एल रोटेट सी टी आर एल, ओके सी टी आर एल, उसके बाद सेलेक्ट करो, देन क्लिक करो सी टी आर एल, ओके ठीक है गाइस, इसको सेलेक्ट करते हैं, पहले इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं, उसको कर देते हैं पी पी फॉर पेरेंट, और फिर उसके बाद गाइस इसको सेलेक्ट करता हूँ मैं, सॉरी इसको सेलेक्ट करता हूँ, सॉरी गाइस इसको मैं पहले हिस्ट्री डिलीट करना पड़ेगी मेरे लिए, ओके हिस्ट्री डिलीट की मैंने पहले आई, यहाँ डिलीट बाई टाइप हिस्ट्री के अंदर हिस्ट्री, उसके बाद मैं आया फ्री ट्रांसफॉर्म सेंटर प्राइवेट, सॉरी सेंटर प्राइवेट नहीं करना है, हिस्ट्री डिलीट कर दी, अब क्लिक करो इसको इसको गाइस, ठीक है डी और बी प्रेस करो, डी आ गया मेरा और यहाँ लाएगा ही सीधा अपने हैंडल पर, डी और बी प्रेस किया, सॉरी ओनली बी, ओनली बी, डब्ल्यू, ठीक है और यहाँ सेलेक्ट किया और बी कर दिया, ये आ गया इसको, इस जो है मैं रोटेट स्केल कर लेता हूँ आपका एक्स एक्सिस में समथिंग, ठीक है, और इसको नाम दे देते हैं यहाँ, एल को हटा देते हैं, यहाँ कर देते हैं आर, यहाँ वन करते हैं, इसको वन करते हैं और यहाँ आर करते हैं, ओके परफेक्ट आ गया, अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं एक साथ और इनकी भी हिस्ट्री डिलीट, फ्रेश ट्रांसफॉर्म, ओके अब आते हैं गाइस यहाँ पर, सेलेक्ट करो पहले चाइल्ड फिर पेरेंट पी, उसके बाद सेलेक्ट करो इसको इसको और आओ यहाँ पेंट पे, उसके बाद इसको सेलेक्ट करो इसको सेलेक्ट करो, इसको कर दो रोटेट ओरिएंट, ठीक है ये हो गया, और अब देखते हैं मूव करके एकदम परफेक्ट मेरा मूव हो रहा है, ठीक है इसके साथ में भी ऐसा ही करते हैं गए, सेलेक्ट करो चाइल्ड उसके बाद पेरेंट पी, और उसके बाद सेलेक्ट करो बोन, सेलेक्ट करो जॉइंट पॉइंट कंस्टेंट देन ओरिएंट कंस्टेंट, ठीक है ओरिएंट कंस्टेंट, ओके परफेक्ट, सो गाइस ये मेरा तैयार हो गया, अब मेरे लिए गाइस यहाँ एक स्किप लगानी होगी और यहाँ एक स्किप लगानी होगी गाइस, ठीक है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, सो गाइस मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल के लिए चेक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कमेंट एनी प्रॉब्लम।